लगभग 18 लाख टेस्ट, 18,26,490 टेस्ट कल किए गए। केस ग्रोथ रेट भी लगभग 1-2% से कम ही बना है। यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं, और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, वैसे 12 राज्य हैं। जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं, वैसे 7 राज्य हैं, और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहाँ पर कि केस लोड ज़्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं, और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी less than 5% देखें, तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है, 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है, और 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। वो कौन से राज्य हैं, ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग 48% है, हरियाणा में 30 से ज़्यादा है, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा। सो इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।